good morning students today we will start the chapter number 5 in civics rural administration so what is ruler? rural ka kya means hai rural means and developed area like villages india is a vast country यही रीज़न है कि एक प्लेस से इसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्री को ट्वेंटी नाइन एंड एट यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है स्टेट को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है विच हैज़ फर्दर सब डिविज़न लाइक तहसील एंड परगनास। कुछ स्टेट में परगनास को तालुकास कहा जाता है जो कि सेवरल विलेजेस एंड टाउन से कंसिस्ट होते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ विलेज सच एज़ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक ह्यूज मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है नाउ वी डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जिससे कि सिविक लाइफ पीसफुली चल सके और उसे सिक्योरिटी मिल सके लॉज और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है जहां पर पीपल पुलिस को थेफ्ट एक्सीडेंट एंड फाइट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं यह पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह किसी भी केस की इंक्वायरी करे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करे और उस केस के लिए एक्शन ले द सुप्रटेंडेंट ऑफ पुलिस इज़ द हाईएस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट इन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल के द्वारा असिस्ट किया जाता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए होल डिस्ट्रिक्ट को नंबर ऑफ सर्कल्स में डिवाइड किया गया है इसका चार्ज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में होता है जिसे सी ओ मीन्स सर्कल ऑफिसर कहा जाता है सर्कल को थानाज में डिवाइड किया गया है थाने के चार्ज खाने का जो चार्ज होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर के अंडर में होता है विलेज में पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जहाँ पर पीपल केस की रिपोर्ट कर सकते हैं एंड इन्फॉर्म पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट एक्सीडेंट फाइट एक्सेट्रा विलेज में मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं जिसमें रिच पीपल लैंड को ग्रैप्स कर लेते हैं ठीक है जैसे लैंड है रिच पीपल गरीब आदमी की कोई लैंड है कोई पुअर पर्सन है उसकी लैंड है उसको ग्रैप्स कर लेना रिच पीपल के द्वारा उसको ग्रैप्स कर लिया जाता है पुलिस माइनर कंप्लेन राइट डाउन करने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेती है नाउ वी डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लैंड का रिकॉर्ड्स किस तरीके से मेंटेन किया जाता है मोस्टली इंडियंस एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एंगेज हैं इस कारण लैंड का क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर के अंडर में इम्पोर्टेंट माना जाता है बिकॉज़ जो रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट किया जाता है वह इन रिकॉर्ड के बेस पर ही कलेक्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट फंक्शन में लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन और लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस इंक्लूड है ठीक है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो मेन फंक्शन माना गया है वो क्या माना गया है लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करना और लैंड का रिकॉर्ड कर रखना ये इसके मेन फंक्शन है फॉर दिस परपज डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इंटू सब डिविज़न विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू तहसील एंड तालुकास लैंड रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन लेखपाल के द्वारा किया जाता है जिसे विलेज में पटवारी कहा जाता है यही रिकॉर्ड परगनाज में कनोंगो के द्वारा और तहसील में तहसीलदार के द्वारा रखा जाता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ठीक है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए और लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पटवारी का जो मेन फंक्शन है वह है लैंड को मेज़र करना और लैंड का रिकॉर्ड रखना पटवारी को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेम से जाना जाता है ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज वह रिस्पॉन्सिबल होता है जो लैंड रिवेन्यू वह फार्मर से कलेक्ट करता है उसके लिए और वह गवर्नमेंट को क्रॉप्स क्रोन की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है यह जो पटवारी होता है वो ये भी नोट करता है कि किसी एरिया में वैल डग किए गए हैं या नहीं किए गए हैं इसी इन सभी रिकॉर्ड्स को खसरा कहा जाता है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द हेड ऑफ द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसे तहसीलदार तहसीलदार जो होता है उससे हेल्प मिलती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता कौन होता है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है जो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं जो देखते हैं कि लैंड का रिकॉर्ड ठीक तरीके से रखा गया है या नहीं फार्मर को अपने लैंड रिकॉर्ड और मैप की रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ स्टेट्स में जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वह कंप्यूटराइज हो गए हैं और इन रिकॉर्ड्स को पंचायत ऑफिस में रखा जाता है अपडेट करने के लिए नाउ वी डिस्कस अबाउट अ न्यू इनहेरिटेंस लॉ टिल रिसेंटली अ हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड मीन्स जो वुमेन हैं उन्हें अपने फादर की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था बिकॉज फादर जो होते थे वो अपनी प्रॉपर्टी का जो शेयर होते होता था उसे ओनली सन्स को जो उनके बेटे हैं उनको इक्वली डिवाइड कर देते थे बट द लॉज हैज़ बीन चेंज जो लॉज है वो अब चेंज हुआ है नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉज न्यू लॉज प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो सन डॉटर और मदर का इक्वल में इक्वली डिवाइड किया जाता है ये ये सेम लॉज जो हैं ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होते हैं इट विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ़ वोमेन वी कैन से डेट द हिंदू सक्सेजन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव हैज़ चेंज दिस सिचुएशन जो हिंदू सक्सेजन अमेंडमेंट एक्ट है नाइन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फाइव को फोर्स में आया था इस एक्ट ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर दिया थैंक यू